दही बड़े के अंदर से काजू निकल रहे हैं भाई, कहाँ से निकल रहे हैं काजू, कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? ये टिक्की कम कबाब ज़्यादा लग रहे हैं। अलाहाबाद से हो, क्या खा रहे हैं हम लोग? देहाती का रसगुल्ला। देहाती का रसगुल्ला, दोबारा से बोल दो। वो चेंज मिलेगा ना, आप रसगुल्ला खाने आए हो अगर नाम सुन के, और आगे मिलेगा आपको गुलाब जामुन। अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो पेट्रोल नहीं मिलेगा, बट तीखा खाने का शौकीन हो तो आके जरा यहाँ पे आप आओ, जरा एक चक्कर मारो, डिसअपॉइंट नहीं होगे। प्योर देसी घी प्रिपरेशन, चबाना नहीं है और फिर ऐसी बनारसी बाबू की आवाज़ में बात करिए। तीनों के पास ना कोई अलग अलग जगह है, अभी अगली कौन सी जानी है, तो बैठ के ना तीनों चर्चा बिठाते हैं, पंचायत बिठाते हैं। पंचायत के लिए तो पांच लोग चाहिए, शिट पंचायत ऐसा होता है कुछ नहीं, तीन चायत बिठाते हैं, अभी बैठ के तीन चायत बिठाते हैं और उसके बाद फिर डिसाइड करते हैं अगली जगह कौन सी जाना है। आपसे मिलते हैं उस अगली जगह पे। भाई तीन चायत हम लोगों की ख़त्म हो गई, स्कूटी पे बैठ के हम लोग लोडेड हो चुके हैं, आगे जा रहे हैं कोई एक और चाट पे खाने जा रहे हैं। चलो जी, दही बड़ा, बहराना का दही बड़ा कहेंगे इसको, शिव चाट भंडार, शिव चाट भंडार का दही बड़ा। भाई साहब बनाते बनाते ना मेरा मन ललचा गया, आपको यहाँ की टिक्की दिखानी पड़ेगी। देखो पता क्या करते हैं, टिक्की पे बाद में बात करते हैं, पहले दही बड़ा खाते हैं। क्या इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाला, क्या डाला है, कुछ तो आ रहा है काजू, शायद कुछ आ रहा है, क्या स्टफिंग है दही बड़े के अंदर से, काजू निकल रहे हैं भाई, कहाँ से निकल रहे हैं काजू, कहाँ से आ रहा है इतना पैसा, पूछिए इनसे जाके, अच्छा खिला रहे हैं तभी तो आ रहा है ना। कितने का ये, 40-50? 40 का, 40 रुपए में काजू मिल रहा है, देख लो बाप, देश में तरक्की हो रही है। टिकट कटवा लो, अलाहाबाद आ जाओ, किशमिश भी आ गई अब तो, एकदम सॉफ्ट है ना, मज़ेदार। मेरे को तो इसके अंदर जो काजू किशमिश जो छुपे हुए थे ना, वो देख के मेरा तो दिल गार्डन हो गया। ये टिक्की कम कबाब ज़्यादा लग रहे हैं। अब ये टिक्की है, इसमें घुघनी और दही पड़ गया। आई थिंक मेरे को ये टिक्की देखने में ठीक लग रही थी, इसलिए यहाँ पे क्या है, टिक्की पहले फ्राई होती है, वो एकदम स्क्वेयर गोल में फ्राई होती है, ठीक है, फिर फ्राई टिक्की को पंचर करते हैं, फिर डबल फ्राई करते हैं, तो उससे करते करते ना आई थॉट कि उससे ना सुपर डुपर क्रिस्पी हो जाएगी और मज़ा आ जाएगा, मतलब वो रहता है, मतलब इतनी क्रिस्प नहीं है, तो आई थिंक कि टिक्की की एसेंस ही क्रिस्प होना है। आई माइट बी रॉन्ग, आप लोगों को शायद इतनी ज़्यादा ना क्रिस्प टिक्की पसंद हो, बट मैं जो भी आपको लोगों को बताता हूँ वो मेरे टेस्ट के हिसाब से बताता हूँ आप, इसलिए मैं कभी खाने की रेटिंग भी नहीं करता, क्योंकि जो मेरा टेस्ट है वो शायद अमन का ना हो, जो अमन का टेस्ट है वो शायद मेरा ना हो, बट एक चीज़ पे हम लोग दोनों एग्री करेंगे कि हम दोनों दिल दे चुके सनम उस दही बड़े को। भाई साहब 40 रुपए में यार काजू किशमिश डाल रहे हैं यार, क्या है यार, मतलब महंगाई इतनी बढ़ गई है फिर भी ये डाल रहे हैं, आप आके खाते क्यों नहीं हो, नहीं मेरे को ये बताओ आप आके खाते क्यों नहीं हो, टिकट पकड़ो और आओ और चलो दही बड़ा खाना है, टिक्की मत खाना, पहले बता रहा हूँ। इसके तो एक एक पीस खा लेंगे, तीन पीस खा लेंगे, ले ले भैया, तीन पीस लेना ज़रा। अभी रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो दोनों, इधर आओ दोनों, तुम दोनों कहाँ से हो? अलाहाबाद। अलाहाबाद से हो, क्या खा रहे हैं हम लोग? देहाती का रसगुल्ला। देहाती का रसगुल्ला, दोबारा से बोल दो, क्या खा रहे हो? देहाती का रसगुल्ला। हाँ, अब उसको धीरे धीरे समझ आ रही है। अब तू शुभम बता, क्या खा रहे हैं हम लोग? गुलाब जामुन, शॉप का नाम है रसगुल्ला है ये, क्यों ऐसा क्यों है, मतलब कुछ तो रीज़न होना चाहिए, आज तुम फंस गए हो, आज मैंने तुम दोनों की तो डिफरेंट होना चाहिए ना, रसगुल्ले के नाम पे अगर गुलाब जामुन मिलेगा तो आप में भी एक्साइटमेंट होगा, कुछ चेंज मिलेगा ना, आप रसगुल्ला खाने आए हो अगर नाम सुन के,
और आके मिलेगा आपको गुलाब जामुन। एनीवे यहाँ की मतलब जैसे कहते हैं ना, मैं जब मैं किसी भी जगह पे जाता हूँ ना, तो मैं एक पोस्ट डालता हूँ कि मैं आने वाला हूँ उस जगह पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह डालता हूँ। बाय द वे, अगर आपने इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो करा तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले ये स्टोरीज वगैरह आ गई है, जिस स्टोरीज को देख देख के हम लोगों की अमन से मुलाकात होगी है। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो आप लोग मिस आउट कर रहे हो ऑन बहुत क्रेजी क्रेजी फन और सुपर अर्ली आप देखते हो। हाँ, तो बात ये है कि लोग फिर रिकमेंडेशन देते हैं। उनमें से सबसे मोस्ट रिक्वेस्टेड थी ना, एक तो थी नेत्राम की कचौड़ी और देहाती के रसगुल्ले। मैं देहाती के रसगुल्ले जब तक आया नहीं था ना, मैंने दिमाग में सोच रहा था अरे वाइट कलर के होंगे उड़ीसा जैसे, और आया तो एकदम ब्लैक निकला। अब मेरे को पता क्या थ्योरी लग रही है, एंटी रेसिज्म। एक रेसिज्म होता है गुलाब जामुन के नाम पे रसगुल्ले खिलाना, वो रेसिज्म होता है, और एंटी रेसिज्म होता है कि सफ़ेद के नाम पे काला खिलाना। क्या बोल दिया तुमने, क्या बोल दिया, ओ माय गॉड, काले पे फोकस करते हैं, ओ माय गॉड। तीन प्लेट हम लोगों ने पहले सोच रहे थे कि 1/3 करें। चीयर्स है भाई, चीयर्स है जी। चलो जी, अब लेट्स स्टार्ट ईटिंग। मैं ज़्यादा टाइम वाइम वेस्ट करूँगा नहीं, दो बाइट में इसको ख़त्म करूँगा। एक बाइट में कर देता अगर असली वाला रसगुल्ला होता, बट अब ये गर्म है, गर्म रसगुल्ला कभी खाया है? गुलाब जामुन है ये, मैं इसको गुलाब जामुन होगा। कभी आपने लखनऊ के कबाब के बारे में सुना है? वो बनाए इसलिए गए थे जिनके दांत नहीं है। मेरे तो दांत है, अच्छे दांत रहे, हमारे काम में दांत जो है हाथ से ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। पर जिन लोगों के पास दांत नहीं है ना, वो भी यहाँ पे आके खाए, पता नहीं चलेगा उनके दांत की क्या ज़रूरत होती है। गया 4 सेकंड में घुल गया, आज इसको हम लोगों ने माफ़ कर दिया। गुलाब जामुन बनाए, रसगुल्ला बनाए, जो मर्जी बनाए, अपने घर में बनाए, एज लॉन्ग एज इट्स टेस्टी। एक खुद खाओ, एक डब्बा मोहल्ले वालों के लिए पैक करवा के लेके जाओ, आप खुश, मोहल्ले वाले खुश, भैया खुश, सब खुश। तो अभी हम लोग हैं पेट्रोल पंप पे है, और इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, पेट्रोल नहीं खाने वाले हम लोग, थोड़ा दिमाग है हमारे अंदर है, और पेट्रोल भरवा रहे थे। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे, अमन मेरे को बताया नया रूल आया यहाँ पे, अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो पेट्रोल नहीं मिलेगा। हेलमेट चाहिए, पेट्रोल। बहुत सही है, तुम हेलमेट पहनते हो कि नहीं पहनते? तुम्हारी खबर नहीं है ज़रा। पहनते हो, रखा है। रखा और पहनने में फ़र्क होता है। अगर तुम्हारे पास हेलमेट नहीं होता तो पेट्रोल नहीं होता। अगर तुम्हारी स्कूटी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है तो अच्छा है, सेफ्टी पहले आनी चाहिए। यहाँ पे रूल मतलब रूल क्या है, यहाँ पे एक्चुअली ना कंपलसरी नहीं है पिलियन का हेलमेट, जो पीछे बंदा बैठता है उसे पिलियन बोलते हैं, पिलियन का हेलमेट कंपलसरी नहीं है। उस चक्कर में कोई हेलमेट रखता नहीं है। मुझे पता है आप लोग बोलने वाले हो कमेंट सेक्शन में, पर मैं क्या करूँ, मैं बेचारा मजबूर हूँ। कूडोस टू यूपी गवर्नमेंट फॉर दिस हेलमेट थिंगी। इसमें एकदम बढ़िया खा के ही समझेंगे इसको क्या है। 3 इसके ऊपर चम्मच लगवा लिया हम लोगों ने, और ये मेरे को यहाँ पे अमन लेके आया है। तो अमन लेके आया है, कह रहा है बाबा चाट भंडार है, इतने ज़्यादा वैसे ये फेमस नहीं है, पर इनकी आलू चाट खा के देखिए, आपको लगेगा कि इसमें कुछ बात है, दम है इनमें। दम है, दम है। अरे सीख गए बेटे, बहुत बहुत कुछ सीखे हो तुम, बहुत कुछ सीखे हो। स्पाइसी है, बहुत स्पाइसी। बेसिकली आपके नॉर्मल बॉइल्ड आलू है, उसके ऊपर एकदम बहुत बढ़िया पुदीना का, पुदीना तो क्या, मिर्ची और पुदीने का, ऐसे होता है ना वो, जैसे सब्जियां होती है आलू बैंगन, बैंगन आलू, क्या फ़र्क है? सेम ही हुआ, आलू ज़्यादा एक में, एक बैंगन ज़्यादा। आलू बैंगन में आलू ज़्यादा, बैंगन आलू में बैंगन ज़्यादा, मिर्ची पुदीना, मिर्ची पुदीना, ये पुदीना मिर्ची में मिर्ची पुदीना ज़्यादा, मिर्ची पुदीना में मिर्ची ज़्यादा। बट तीखा खाने का शौकीन हो तो आके ज़रा यहाँ पे आप आओ, ज़रा एक चक्कर मारो, डिसअपॉइंट नहीं होगे।
ये मेरे को काफ़ी पसंद आ रहा है, इसको लपेट लेते हैं। क्या अलाहाबाद के लोगों को खाने से बहुत प्यार है और खाने को लोकनाथ मार्केट से बहुत प्यार है? हमने एक बात बताओ, ये लोकनाथ मार्केट का नाम आलोकनाथ के ऊपर पड़े है क्या? हो सकता है। क्या ये मार्केट भी संस्कारी है? बिल्कुल नहीं, वो तो खाने के मामले में तो सब एकदम अलग ही है। के लड्डू है ना, के लड्डू एक ये लेते। अच्छा, अदरक का पाउडर जो रहता है, समझ गया। एक तो ये लड्डू ट्राई करेंगे, बस इस पे दिल आ गया। एकदम अलग से लड्डू है। अरे काफ़ी बाबा, हाफ खिलाइएगा ठीक है। प्योर देसी घी प्रिपरेशन। क्या कह रहे? बोल रहे बहुत फोटो ना खींचे ना, वो भाग देंगे शर्मा के। अच्छा नहीं भाग दे। तो यहाँ पे ये हमारे पास टमाटर चाट आई है। अब ये टमाटर चाट बनारस की टमाटर चाट से काफ़ी अलग है। प्रयागराज बनारस, दिल्ली, अमृतसर, चंडीगढ़, कलकत्ता, मुंबई, अहमदाबाद, जितनी भी जगह हम लोग खाना खाए हैं अभी तक, सबकी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक रहते हैं, जाके चेकआउट करें। इंडिया के हर 100 किलोमीटर में अलग खाना, नया फ्लेवर आता है। तो बनारस में जो रहता है ना, उसमें हल्का सा तरी डालते हैं टमाटर की, थोड़ा घी डालते हैं और वो डालते हैं। यहाँ पे क्या, टमाटर की एकदम टमाटर प्यूरे टाइप सा रखते हैं, उसको पकाते हैं देसी घी में, अभी जैसे फ्रेश आता है, उसके बाद उस पर चटनी वगैरह डालते हैं। तो काफ़ी सारी प्रिपरेशन में ही 120 किलोमीटर में पूरी काया पलट गया टमाटर चाट की। चलो जी ट्राई करते हैं, इसको मिक्स करके खाएं ना। हाँ ठीक है जी, सारा फ्लेवर आएगा चटनी और वो सब का। चम्मच चीयर्स। टमाटर का थोड़ा खट्टापन आ रहा है, खट्टापन में मीठापन काफ़ी आ रहा है, चटनियों का मज़ा आ रहा है, बहुत बैलेंस्ड है एकदम, बिल्कुल मन लग रहा है कि कुछ खाया है। देखो इधर आओ, पास में आओ, आओ ज़रा पास में आओ, आपको दिखाता हूँ, इनकी सच्चाई दिखाता हूँ मैं आपको। देसी घी में बनाते हैं सब कुछ, काजू डाला हुआ है, ये है इनकी सच्चाई। और अगर उसके बाद ये 25 रुपये हाफ प्लेट का ले लेना, तो आई थिंक धन्य है ये मार्केट। जो लोग दिल्ली से देख रहे हैं ना, इमेजिन करो, चांदनी चौक में मेन रोड है ना वो, वहाँ पे कोई गाड़ी उठा के ले आए, नई गाड़ी वो भी, अब फिर ठुकेगी तो बोलेगी गाड़ी ठोक दी। भैया हम तो फिलहाल ये एंजॉय करते हैं लोकनाथ मार्केट में, गाड़ी के बिना आइए, स्कूटी पे या पैदल आइए, खाना मिलेगा और ढेर सारा प्रेम मिलेगा, आलोकनाथ नहीं मिलेंगे शायद। गंदे जोक्स और अच्छा खाना ओनली एट वेजी पाजी। चलो जी, ये बहुत स्मूथ लगा मेरा अभी तक का, ये वन ऑफ द फेवरेट चाट्स रहा आज हम लोगों ने जो भी खाया उन सब में। तो यहाँ पे ना निराला स्वीट्स पे बहुत सारी अलग अलग टाइप की मिठाई है, बहुत स्वाद मिठाई है होगी, मैंने ट्राई नहीं करा, होंगी, पर बहुत सालों से यहाँ पे क्या है, लोकनाथ लेन जो है ना, ये यहाँ पे लोग 100 सालों से बेच रहे हैं। मतलब आप दूसरी दुकान से पूछना भैया कितने सालों से चला रहे हैं, सीधे छूटते ही जवाब आएगा भैया हो गए होंगे कुछ 100 साल, हमें याद नहीं है, बड़े टाइम से बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सौंठ का लड्डू लिया है, जिसके ऊपर मेरे को मगज दिख रहा है। अब मगज, जिन लोगों को नहीं पता, मगज बेसिकली वाटरमेलन सीड्स होते हैं, मगज वो मगज नहीं होता, ये प्योर वेज चैनल है, वाटरमेलन सीड्स। पास में आओ, आपको तोड़ के दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। बेसिकली बहुत हेल्दी लड्डू है, सौंठ जो होती है आपका अदरक का पाउडर होता है उसे सौंठ कहते हैं। इसमें मगज दिख रहे हैं मेरे को, फ्लैक्स सीड्स दिख रहे हैं मेरे को, मतलब बहुत सारे सुपर फूड दिख रहे हैं मेरे को जो बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होते हैं। खा के देखते हैं, बहुत हेल्दी लड्डू है। ये वो चीज़ है, हेल्दी बहुत है, आपको रोज खानी चाहिए, आप खाइए। तो हम लोग आ गए अपने दिन की आखिरी जगह पे,
आज बहुत ही बढ़िया दिन रहा। आपने पीछे वाली कुछ वीडियोस में अलाहाबाद का बहुत खाना देखा, अब आ गए हैं पान खिलाने आपको। सोफिया लॉरेंस पे अलाहाबाद का सबसे मशहूर पान, यहाँ पे गिलोरी पान मिलता है 20 रुपए का। चलो आज आप लोगों को भी दिखाते हैं पान क्या है। चलो बस भाई, अपना तो यही वाला है, तुम एक्सपेरिमेंट करो, हम इसी पे अटकेंगे। वो सारे रहते हैं, पर आपका सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से गिलोरी चलता है। कल आया था, कल मैं देख रहा था, धड़ 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 निकल रहे थे। हाँ ये कल पड़ा हुआ था। ओके बस ठीक है, ओके थैंक यू जी बस, लेट्स ईट। अच्छा तुम पहले अपना उठाओ, ये चॉकलेट वाला निकालो। अब बनारस से आके ना मैं एकदम ऐसे अपनी झाड़ रहा हूँ बनारसी। कल तक कुछ नहीं था सीखा, अब पूरा आ गया। देखो भाई ये मैं सीख के आया हूँ, मुझे पता नहीं अब ऐसे खाते कि नहीं खाते। पान लिया और उसको मुँह के ऐसे कोने में रखा, चबाना नहीं है और फिर ऐसी बनारसी बाबू की आवाज़ में बात करिए, चेरी खानी है तो खाइए वरना छोड़ दीजिए, चबाना नहीं है बाबू। इसी से हम लोग ये अलाहाबाद की वीडियो ख़त्म करते हैं, अलाहाबाद की और वीडियो आएगी, ये वाली वीडियो ख़त्म करते हैं। बहुत चाट खाएं, अभी बनारसी बाबू बने हुए हैं अलाहाबाद में। आपसे मिलते हैं कल किसी और बढ़िया जायके पे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो पान और जल्दी ख़त्म हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। और ठीक है लाइक तो कर ही दो, ठीक है। बनारसी बाबू, तीनों बनारसी बाबू बने हुए, चबा रहे हो तुम, चबाना नहीं है, ठीक है। बाय बाय जी, इनको मैं थोड़ा डांटता हूँ, पान खाना सिखाता हूँ, ठीक है। ओके बाय जी। क्या कभी कचौड़ी को पनीर की सब्जी के साथ खाया? उसको क्या बोलते हैं? पूरी। देखा देखा, सारी पोल खुलवा दी। हैबिट में हो गया ना, मैं सॉरी यार, हैबिट में हो गया।